ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। शादी की शुभकामनाएं, और खुश रहो, आशीर्वाद है हमारा। भाभी एंड भाई साहब, आप दोनों को क्रिसमस और मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत मतलब ये शुभकामनाएं। मैं सब क्रिसमस आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई। आदरणीय ताऊ जी एवं ताई जी, आप लोगों को सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से खुश रहिए, हम लोगों के ऊपर प्यार बरसाते रहिए। नमस्ते ताई जी ताऊ जी। नमस्ते ताई जी ताऊ जी। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी बर्थडे। मे गॉड गिव यू हेल्दी वेल्दी लाइफ। हेल्दी वेल्दी लाइफ। हेल्दी वेल्दी लाइफ। नमस्ते ताऊ जी, wish you happy wedding anniversary and God may fulfill all your wishes. Stay blessed and have a wealthy and healthy life. And issue आप बोलो, दादा दादी को ना, दादा दादी, दादा दादी जी, happy marriage anniversary to dear ताऊ जी and ताई जी। आपको शादी की सालगिरह की ढेरों शुभकामनाएं। From Piyush, Archana and Jagravi, happy marriage anniversary nana and nani. Hello Tau ji and Tai ji, charan spars and shaadi ki salgirah bahut bahut mubarak ho. Pehla wo Tai ji and Tau ji, aap dono ko shaadi ki salgirah bahut bahut mubarak ho. Enjoy yourself. Bhai sahab and bhabhi ji, charan spars, aap dono ko shaadi ki salgirah ki dher sari shubhkamnaen. भाई साहब दीदी चरण स्पर्श, आपको शादी की सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी ताऊ जी एंड ताई जी और चरण स्पर्श। बुआ फूफा जी को नमस्कार और शादी की 48वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्नेह आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपका दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के सब कायल हैं और आपका स्नेह आशीर्वाद पूरे परिवार पर, पूरे कुटुंब पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। किसी ने सही कहा है किसी को शख्सियत यूं ही नहीं मिल जाती है, खपाना पड़ता है अपना बचपन और जवानी। शख्सियत यूं ही नहीं मिल जाती है, कभी जमी और आसमां यूं ही नहीं मिल जाती है। और रहे आपकी दुआओं का असर तो मेरी शख्सियत मिटाई नहीं जा सकती है। ये आपके लिए 4 लाइनें हैं। और जो कोई गलती हो क्षमा करना, त्रुटि हो तो क्षमा करना। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शादी की सालगिरह की।
बड़े चाचा एवं बड़ी चाची जी को चरण स्पर्श, आपको हम सभी की ओर से शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारी बड़ी चाचा जी कितने परिश्रमी और मेहनती हैं, उनसे ज़्यादा एक्टिव पर्सन हमारी फैमिली में और कोई हमने नहीं देखा है। इस बात का पता हमें उन्हीं के द्वारा एक कहानी के द्वारा पता चला कि जब वो इंग्लिश पढ़ने अपने छोटे कक्का जी के यहाँ जाते थे तो रात में उनके घर सो जाते थे। सुबह 4 बजे कक्का द्वारा उन्हें जगा दिया जाता था कि लखनलाल जी उठिए, 4 बज गए हैं। इससे उनके हमें कठोर परिश्रम का बहुत पता चला और उनके जैसे ही हम लोग भी सब मेहनत करें, अपने जीवन को सफल बनाएं, यह प्रेरणा हमें उनके जीवन से लगातार मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। और हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल आंटी, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू ताऊजी एंड ताईजी, स्टे ब्लेस्ड टुगेदर इयर्स एंड इयर्स। हैप्पी क्वारंटाइन एनिवर्सरी नाना जी एंड नानी जी, स्टे सेफ, लव यू, टेक केयर। नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी नाना नानी, द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट विथ ताऊजी वाज व्हेन वी केम एट टिया चानू'स बर्थडे 2 years बैक, and Chirag and Tauji were having a nice chit-chat. That time was most memorable for me with uncle, and when auntie was serving us with some laddus, sweet ones, in your wedding, right? It was your wedding. So these were the two memorable moments with both the big members of our family, the respected ones. Happy anniversary again, and lots of love. Keep showering your blessings on us. Bye bye. Happy marriage anniversary, Tauji and Taiji. Happy wedding anniversary. Happy anniversary, Dadu and Dadi ji. Happy anniversary, Bua ji and Pupa ji. Happy anniversary to Tauji and Taiji. Love you. Love you. Namaste, Charan Spurs. Namaste. चाचा जी और चाची जी को नमस्ते। चाचा एवं चाची जी को आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न रहें। नाना और नानी, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाना जी, आप इस समय भी इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं और नानी इसमें पूरा सहयोग करती हैं। आप दोनों इसी तरह एक दूसरे को सहयोग करते रहे, हमेशा साथ रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। हैप्पी एनिवर्सरी। चरण स्पर्श नाना जी एंड नानी जी। नमस्ते नाना जी एंड नानी जी, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। थैंक यू। Happy anniversary, Uncle Auntie. Dadu and Daddy, happy anniversary. Happy anniversary, Uncle Auntie. Charan Spurs. भगवान करे आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और आप लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। Once again, happy marriage anniversary. Happy marriage anniversary. Wish you say hi. Hi, good Babu. Yeah, flying kiss. Oh, good. तो मैं ये कहना चाहती हूँ नाना के बारे में, एक बेस्ट सेक्शन जो मुझे बहुत बेस्ट लगती है कि एक तो ये कि वो आज के टाइम में भी अपनी हेल्थ का उतने ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, जो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सभी के लिए, एक्टिव रहते हैं। और दूसरी बात एक बहुत अच्छी ये लगती है कि वो मतलब सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मम्मी से बातें होती हैं तो सब लोग पूछते रहते हैं कि कैसे हैं बच्चे, क्या हैं, पर नाना एक इकलौते ऐसे हैं जिनका मोस्टली 10-15 दिन अगर लेट होता है तो फिर, या महीने तो शायद मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, उनका फ़ोन आ जाता है और हाल चाल वो हमेशा पूछते रहते हैं क्या चल रहा है, टांग खींचते रहते हैं, खिंचाई करते रहते हैं। तो
अच्छा भी लगता है याद करते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है. मिशी यू हैव टू से हाय ओनली. ओके. और नानी हमारी यंगेस्ट फ्रेंड जो हमेशा जब भी उनका बर्थडे आता था विश करते थे, मैं तो 20 साल की हुई हूँ, मुझे नानी नहीं बोलो, जस्ट हाय कॉल मी फ्रेंड. तो यस, हैप्पी एनिवर्सरी फ्रेंड. हैप्पी एनिवर्सरी. अब मैं और ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी. बाय बाय मिस्टी फ्लाइंग किशी. बाय. जब ताऊ जी भावनगर में रहते थे तब डाइनिंग टेबल पर मनीष भैया, टिंक पप्पू भैया तीनों को चेयर पर बैठते थे, लेकिन मैं अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठा कर ताऊ जी मुझे वहाँ खाना खिलाते थे. और उसके बाद जब ताऊ जी कोटा शिफ्ट हो गए तो वो जब भी बड़ौदा आते तब हमें उनके साथ जाने का बहुत क्रेज़ होता, क्योंकि वो हमें एसी डब्बे में ले जाते और हम कहते कि हम कोटा वाले अंकल के साथ ठंडे डब्बे में जाएंगे. उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत होती तब हम ताऊ जी को बिंदास बोल देते, ताऊ जी आज हमें इस होटल में जाना है, गाड़ी इतने बजे भेज दीजिएगा. हर मोमेंट हमें बहुत अच्छे से याद रहा है ताऊ जी के साथ. और ताई जी का कोटा में वो बड़ी सी चक्की के साथ दाल चावल पीस कर प्यारी प्यारी और खूब सारी इडली बनाना, और ताऊ जी का मतलब होता है बड़े पापा. हमारे लिए हमारे ताऊ जी रियल के बड़े पापा हैं. हम कुछ भी जब भी चाहे बिंदास उनसे मांगते हैं और बिना सोचे कुछ बोल देते कि ताऊ जी हमें ये चाहिए, ताऊ जी हमें वो चाहिए. लव यू ताऊ जी. हैप्पी एनिवर्सरी टू डियर ताऊ जी एंड ताई जी. You are very happy anniversary, Dada Dadi. You are the best Dada Dadi in the world.